वापस शेयर कर दूं मेरा स्क्रीन? हाँ तो आप शेयर करो, चालू करो आप शेयर स्क्रीन। ओके गॉट इट गॉट इट गॉट इट, थैंक यू। सो लेट्स स्टार्ट। एम आई चार्मी, विजिबल? एम आई विजिबल? आपका फर्स्ट स्लाइड रखो प्लीज। या बट आई वाज नॉट विजिबल, मैं कैमरा ऑन कर रही थी। या नाउ यू आर स्टार्ट, विजिबल। ओके कूल, एवरीथिंग ओके? या यस कूल, थैंक यू। आई हैव एडेड पीपल, वी आर स्टार्टिंग द मीटिंग। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड टू सी यू ऑल। अवेलेबल ऑन अ संडे मॉर्निंग एट 11। कृष्णकांत थैंक यू, ममता थैंक यू सो मच, निखिल सर थैंक यू, हेमंत सर थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन अर्ली इन द मॉर्निंग। सो ऑन बिहाफ ऑफ एवरी वन एट मनी मैटर्स, मैं आप सभी का सभी को वेलकम करना चाहूंगा। सो फॉर दोज ऑफ यू हु आर न्यू, मनी मैटर्स इज अ फाइनेंशियल एडवाइजरी फर्म एंड वी आर स्पेशलाइज्ड इन इक्विटी इन्वेस्टिंग एंड वी थॉट ऑफ क्रिएटिंग अ सीरीज ऑफ वेबिनार्स फॉर एजुकेटिंग पीपल अबाउट स्टॉक मार्केट्स। बिकॉज हमें लगा कि आफ्टर बीइंग इन द मार्केट्स फॉर आई मीन बीइंग इन द बिजनेस ऑफ स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग फॉर मोर देन अ डेकेड, हमें आज भी लगता है कि स्टॉक मार्केट इज मिसअंडरस्टूड। मतलब आई होप यू अग्री। इफ एनी वन थिंक्स दैट, फर्स्ट ऑफ ऑल आई जस्ट वांट टू कंफर्म, इज एम आई ऑडिबल? कैन यू टेल मी इन द चैट बॉक्स इफ आई एम ऑडिबल? थैंक यू उर्जीत, थैंक यू सो मच, ग्रेट। सो एज आई वॉज सेइंग कि आई हैव अ फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, डू यू फील दैट द स्टॉक मार्केट इज मिसअंडरस्टूड? इफ यू कुड जस्ट से येस और नो इन द चैट बॉक्स, वॉट डू यू फील? डू यू थिंक द स्टॉक मार्केट इज मिसअंडरस्टूड? बहुत कंफ्यूजन है स्टॉक मार्केट के बारे में। कम ऑन गाइज, इफ यू कुड गिव मी अ रिप्लाई, आई विल, इट विल बी अ ग्रेट थिंग फॉर मी। थैंक यू, यस मलिक, यस ओम, यस आई अंडरस्टैंड। तो हमें लगता है कि स्टॉक मार्केट इज रियली मिसअंडरस्टूड। हम बहुत सारे लोगों को जब जब लोगों से बात करते हैं तो बहुत, मतलब कुछ लोग कहते हैं मतलब समटाइम्स यू नो स्टॉक मार्केट इज अंडर एस्टिमेटेड। मतलब किसी किसी को लगता है कि ये जुआ है। कोई कहता है कि मेरे एस्ट्रोलॉजर ने बोला है कि स्टॉक मार्केट से दूर रहो। दैट्स व्हाई आई फील इट्स अंडर एस्टिमेटेड। कुछ लोग तो एकदम उल्टा, सम पीपल ओवर एस्टिमेट द स्टॉक मार्केट। मतलब जब इन्वेस्ट करने आते हैं लोग और हमें कहते हैं, या खुद के उनके मन में होता है कि अगर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है और 6 महीने में पैसा डबल नहीं होता है तो क्या फायदा। तो ऐसी एक्सट्रीम सिचुएशन होती है। और तीसरे टाइप के लोग हैं जो आज भी कंफ्यूज्ड है। मतलब लोगों के मन में कंफ्यूजन है कि कोई बोलता है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अच्छा है, कोई कहता है कि इंट्राडे अच्छा है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग अच्छा है, किसका सुने। देयर इज सो मच कंटेंट ऑन यूट्यूब दैट पीपल आर एक्सट्रीमली कंफ्यूज्ड। तो हम भी मनी मैटर्स में बहुत दिनों से ये देख रहे थे कि लोगों के मन में ये बहुत सारा कंफ्यूजन है और इसके वजह से स्टॉक मार्केट में लोग आज भी इन्वेस्ट करने से थोड़े कतराते हैं या दे आर स्टेइंग अवे। सो दिस इज एन अटेम्प्ट ऑफ आवर टीम टू टेल यू व्हाट स्टॉक मार्केट रियली इज। हमारी एक कोशिश है दिलो जान से आपको बताने के लिए कि स्टॉक मार्केट एक्चुअली है क्या, क्योंकि यू नो वी बिलीव दैट वी वुड लाइक टू इंस्पायर यू टू फाइंड योर वे। देखिए, व्हाट मेथड वर्क्स फॉर यू इज समथिंग फॉर यू टू फाइंड।
वी आर जस्ट हियर टू इंस्पायर यू एंड टू टेल यू द राइट वे. क्योंकि मैं मतलब जस्ट टू गिव यू माई एक्सपीरियंस, मैंने भी जब पहली बार स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट शुरुआत की थी तो किसी के कहने पे किया था एंड शायद मुझे सही गाइडेंस नहीं मिला, बट लकीली ऑन द वे गिरा उठा एंड फाउंड अ मेथड टू इन्वेस्ट इन द स्टॉक मार्केट. तो मेरी भी यही कोशिश है या हमारी सबकी एक कोशिश है कि आप सभी को अपना एक रास्ता सही तरह से मिले. एंड फॉर दैट वी हैव क्रिएटेड अ सीरीज ऑफ दिस वेबिनार्स अंडर द बैनर ऑफ मनी मैटर स्टॉक्स. आई एम हैप्पी टुडे इज द फर्स्ट वेबिनार ऑफ विद दैट सब्जेक्ट. वी आर कॉलिंग इट फ्रॉम स्क्रैच टू हैच बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट. I am very happy and proud to introduce Charmi. She is the youngest member of Team Money Matters and she's a passionate stock market investor. I've been having a lot of discussions with her aur usi se ye idea aayi ki let's have an educative session for all of you. I am happy to welcome so many people today in this webinar. It's a learning session. तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आपके मन में जितने भी सवाल है राइट फ्रॉम बेसिक्स प्लीज फील फ्री टू आस्क दोस क्वेश्चंस. एंड अबाउट Charmi, शी इज वेरी गुड इन एक्सप्लेनिंग कॉन्सेप्ट्स इन अ वेरी सिंपल फॉर्मेट. शी इज इंटरेस्टेड इन डूइंग एन एडवांस डीप रिसर्च इन स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग. सो दैट्स व्हाई आई थॉट कि let me introduce a young team member to talk about stock market investing with you. Charmi, over to you. Thank you so much, Gautam sir, for your kind words and introducing me so very well. And good morning, everyone. So, abhi 11 baje utke aaye ho, to kuch zyada main bolungi nahi. We'll just get into the topic. So, before we start, I would like to give you a disclaimer ki koi bhi jitne bhi shares isme discuss hoge, they are not as a recommendation from Money Matters or me. And here is what we are going to cover today. So we are going to talk about a company, uska basic idea se leke wo ek listed company tak kaise pahuncha. Usme beech mein kafi terminologies aayegi, jaise ki sir ne bola ki kafi cheeze hai jo basics bhi clear nahi hai abhi. So we will try and simplify it. Theek hai? So ye products to sabko pata hoge, right? Like कुछ भी मतलब टूटा फेविकॉल लगा दो, सबसे मजबूत जोड़ किसका है? फेविकॉल का है. फिर कुछ भी टूटा फेविक्विक लगा दो, छत से पानी गिर रहा है डॉक्टर फिक्सिट लगा दो, खड्डे है एमसिल लगा दो. एडवर्टाइजमेंट लग रही है पर मैं एडवर्टाइज नहीं कर रही हूँ. आई जस्ट वांट टू नो कि विच कंपनी प्रोड्यूसेस दिस प्रोडक्ट, इफ यू कुड पुट इट इन द चैट बॉक्स. डज एनीवन नो? पिडिलाइट. पिडिलाइट, यस करेक्ट, पिडिलाइट. सो the man behind Pidilite, the Fevicol man, what we call him, Balwant Kalyan ji Parekh. So hum log Pidilite ke bare mein janne ke pehle Balwant sir ke bare mein jante, because me myself I am very much inspired by him, because hamare jaise the, like he was one of us. Jaise ke jab bhi bachpan se unko sapna tha ki yaar city mein kuch bada karna hai, business karna hai, waisa kuch karna tha unko, par family walon ne bola ki kuch business wagera nahi karna hai, chupchap Mumbai jao, लॉयर की पढ़ाई करो और एडवोकेट बनो. अभी करना तो था नहीं उनको इंटरेस्ट, था नहीं करना तो था बिजनेस, पर अभी फैमिली के सामने क्या ही बोल सकते, तो वो चुपचाप आ गए और पढ़ाई शुरू की. फिर पढ़ाई करते करते बीच में क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हो गया, तो पढ़ाई वढ़ाई सब कुछ छोड़ दिया और उन्होंने वो ज्वाइन कर दिया. फिर सोशल एक्टिविटी सब कुछ किया, फिर वापस वो सब खत्म करके वापस पढ़ाई कम्प्लीट करना है, तो पढ़ रहे थे पर फ्रस्ट्रेट होकर छोड़ दिया कि भाई ये प्रोफेशन में तो बहुत झूठ बोलना पड़ रहा है, नहीं समझेगा अपन को, तो फैमिली के अगेंस्ट जाके छोड़ दिया. फिर अभी मुंबई में घर नहीं था, ना एजुकेशन कंप्लीट हुई थी, ना जॉब थी और बिजनेस का तो आइडिया ही नहीं था. ऐसे टाइम में उन्होंने शादी कर ली कांता बहन के साथ, तो फिनेंशियल प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ गया. ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि तभी तो रहने के लिए घर भी नहीं था, तो फ्रेंड के वेयर हाउस में रह रहे थे. तो अभी फाइनेंशियल नीड्स कंप्लीट करने के लिए जॉब तो करनी पड़ेगी, तो उन्होंने एक वुड ट्रैकर के यहाँ पे एज अ पियॉन काम किया. उसके बाद ही वर्क्ड एट अ प्रिंटिंग प्रेस फॉर सम टाइम, पर फिर भी फाइनेंशियल नीड्स कंप्लीट नहीं होती थी, तो वो क्या कर रहे थे कि बिजनेस अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कर रहे थे कहीं से, यार कुछ अपॉर्चुनिटी मिल जाए जहाँ से पैसा कमा लूँ फिलहाल के लिए, तो बिजनेस तो ठीक है देखा जाएगा. तो वो क्या कर रहे थे, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का जो लिस्ट होता है ना वो बिजनेसमैन को दे रहे थे, बड़े बड़े बिजनेसमैन को मिल रहे थे. ये सब के चक्कर में उनके कॉन्टैक्ट बढ़ते गए
और उसमें उन्होंने ना स्किल सीख ली बिजनेस करने की, वो जो टिप्स एंड ट्रिक्स होता ना वो सीख लिया। मतलब कि बोलते हैं ना कैसा, अगर आपको स्किल लावे तो आप डस्ट को भी ताजमहल बना दोगे, तो उन्होंने वो ट्रिक तो सीख ली। अभी धीरे धीरे कॉन्टेक्ट बढ़ गया, ट्रिक सीख ली, बिजनेस पता चल गया कैसे करते हैं। तो 1954 में उन्होंने एक छोटा सा शॉप खोला उनके भाई के साथ, पारिक डाइकेम करके, जिसमें वो पता है पिगमेंट्स एमल्जन्स आते हैं ना टेक्सटाइल प्रिंटिंग के, वो रखते थे। तो वो शॉप खोला, बाद में धीरे 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 मतलब उनको उनकी फील्ड के बारे में पता चलने लगा। तो पहले के टाइम में क्या होता था कि ग्लू को ग्लू बुलाते थे, अभी ग्लू को फेविकॉल बुलाते हैं। मतलब कि एडहेसिव जो रहते थे, ग्लू रहता था, उनका कोई ब्रांडिंग नहीं था। तो उनको पता चला कि भाई इसका ब्रांडिंग नहीं है, तो उनको उन्होंने पहले तो फेविकॉल का ब्रांडिंग दिया, ठीक है। बाद में हर एक बिजनेस में कैसा होता है राइट, कि ऐसा बिजनेस होता है, एक मिडलमैन होता है एंड देन कंज्यूमर, राइट। तो ये जो मिडलमैन रहता है ना, वो उन्होंने कभी आने नहीं दिया। उन्होंने क्या किया कि बिजनेस और उनका प्रोडक्ट जो यूज करते थे, वो जो प्लम्बर्स वर्कर्स वो सब यूज करते थे, तो उनके साथ डायरेक्टली कॉन्टेक्ट किया कि आपको क्या दिक्कत आ रही है, कौन से प्रोडक्ट की जरूरत है। मतलब उन्होंने लिटरली नए नए सेगमेंट क्रिएट किए, जैसे कि फैब्रिक ग्लू कभी एग्जिस्टेंस में था नहीं, ही फाउंड इट राइट, कि इस चीज की जरूरत है और अभी लोग यूज भी करते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से उन्होंने वर्कर्स वगैरह से पूछा कि क्या दिक्कत आ रही है बताओ, तो उस हिसाब से मॉडिफाई कर करके धीरे 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 उनका ब्रांड भी फेमस होते गया, और इतनी सी जो शॉप थी वो एक प्राइवेट कंपनी एकदम बड़ी सी बन गई, ठीक है। तो 1992 में मधुकर बी पारेख उनके सन ने एज ए चेयरमैन एंड MD टेक ओवर किया। इन 1993 फाइनली इट गॉट लिस्टेड ऑन NSE। अभी NSE क्या है, BSE क्या है, वो सब समझ के हम लोग धीरे धीरे, पहले NSE पे लिस्ट होने क्यों हुए वो समझते हैं। अभी जैसे कि मैंने कहा कि वो अभी धीरे छोटे से शॉप से स्टार्ट किया था, उधर से कंपनी तक पहुंच गए, उसके लिए प्रोडक्ट्स तो अच्छा किया ही, नए नए प्रोडक्ट भी इंट्रोड्यूस किए। अभी डिमांड बहुत आने लगी इस चीज की, डिमांड मतलब कि ऑर्डर्स बहुत आ रहे थे, और सप्लाई करने के लिए प्रोड्यूस भी करना पड़ेगा, उसके लिए क्या चाहिए रहेगा, पैसा। तो पैसे के लिए अभी फंडिंग रहते हैं, सीड फंडिंग रहता है, वो सब हो गया, बैंक से लोन लिया, फंड रेजर से पैसे लिए, फैमिली को बोला कि भाई देखो मेरा प्रोडक्ट इतना डिमांड आ रहा है, इतना ऑर्डर आया, आप पैसा दो, ठीक है। तो ये सब किया, पर अभी किस हद तक, मतलब कितना मांगेगा, बैंक से भी कितना लोन लेगा ना आदमी, करेक्ट, क्योंकि उसके पीछे भी इंटरेस्ट देना पड़ेगा, करेक्ट। उन्होंने क्या किया कि देखो मेरे पास एक ऐसा प्रोडक्ट है जो शॉप से मैं कंपनी तक लेकर आया, मतलब इतनी डिमांड है वो चीज की, तो मैं क्या बोलता हूँ, पब्लिक को बोल रहा हूँ कि आप आओ और मेरे प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करो, मतलब कि पब्लिक को इनवाइट कर दिया उन्होंने। सो व्हाट इज दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, द ट्रांजिशन फ्रॉम अ प्राइवेट टू अ पब्लिक कंपनी। मतलब कि एक प्राइवेट कंपनी थी, उन्होंने बोला पब्लिक को कि आप इन्वेस्ट करो मेरे प्रोडक्ट में और मेरे कंपनी के ओनर बन जाओ। अभी ये टर्म का क्या मतलब है वो भी धीरे धीरे समझेगा। तो पहले हम लोग समझते कि IPO का प्रोसेस क्या होता है। सो फर्स्टली दे हैव टू हायर अ अंडर राइटर और एन इन्वेस्टमेंट बैंक। अभी अंडर राइटर और इन्वेस्टमेंट बैंक क्या है, बलवंत सर तो अभी बिजनेसमैन थे करेक्ट, तो उनको अभी शेयर मार्केट का कि अभी IPO कैसे लिस्ट करने का वो सब थोड़ी ना पता रहेगा, हर चीज में तो एक्सपर्ट नहीं हो गए ना। तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट बैंक आप ऐसे सोचो कि एक एडवाइजर है, एक समवन हु स्मूथ्स योर प्रोसेस। अभी अंडर राइटर भी अलग अलग टाइप के होते हैं, उसमें से कुछ अंडर राइटर ऐसे होते हैं कि जो ऐसा बोलते हैं कि अगर इन केस आपके शेयर इशू नहीं हुए, इन केस आपके शेयर सारे सब्सक्राइब नहीं होते हैं, तो हम ले लेंगे वो शेयर। ऐसे भी अंडर राइटर्स होते हैं, कुछ अंडर राइटर्स ऐसे रहते हैं कि शेयर तो हम लोग नहीं लेंगे पर आपका प्रोसेस स्मूथ करवा देंगे, वी विल ट्राई आर बेस्ट कि आपका शेयर सारे सब्सक्राइब हो जाए। तो जो एडवाइजिंग का काम रहता है ना कि कैसे सब कुछ एकदम आराम से हो जाए, वो करते हैं अंडर राइटर एंड इन्वेस्टमेंट बैंक। अभी हायर हो गए, उसके बाद क्या करना पड़ेगा, रजिस्टर करना पड़ेगा IPO के लिए। तो उनके लिए उसको रजिस्ट्रेशन का एक स्टेटमेंट देना पड़ता है एंड एक RHP, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, मतलब उसके अंदर कंपनी का सब कुछ रहता है, कोरा चिट्ठा, कहाँ से स्टार्ट हुई, क्या क्या चांसेस है उसके बढ़ने के, कहाँ तक जाने के चांसेस है, डिमांड कितनी है, ग्लोबली कहाँ पे स्टैंड करता है, कितने डेट से, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस वो फॉलो करता है, वो सब कुछ लिखा रहता है रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में। ओके, तो ये कहाँ पर मिलेगा, RHP? RHP, अच्छा खजाने का एड्रेस सही है, ठीक है। आई विल जस्ट शो यू अ वेबसाइट जहाँ से आपको लीगल डॉक्यूमेंट मिल सकता है, यू जस्ट नीड टू टाइप SEBI
सभी पे जाके आपको ये वेबसाइट है ये खोलनी है, देन फाइलिंग्स में जाना है, फाइलिंग्स में जाके पब्लिक इश्यू में जाओ और वहां से आपको रेड हेरिंग डॉक्यूमेंट फाइल्ड विद आरओसी इसमें जाना है। आई गेस पिडिलाइट का नहीं होगा बिकॉज बहुत पहले लिस्ट हुई है पिडिलाइट, तो भी मैं ट्राई करती हूँ इफ वी गेट पिडिलाइट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, नहीं नहीं है तो विल जस्ट लुक इन टू एमी ऑर्गेनिक्स का देख लेते हैं, दिस इज ऑल्सो केमिकल कंपनी इसका देख लेते हैं। ओके टुडेज सेशन इज डेल्ट विथ बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट एंड स्लो इंटरनेट, आई एम सॉरी विल हैव टू वेट फॉर अ मिनट जब तक ये लोड हो जाए। या सो दिस इज आरएचपी बेसिकली रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, इसमें कंपनी का सारा कोरा चिट्ठा है, मतलब खजाना है ये, खजाना क्यों मतलब आज के जमाने में डेटा ये सब कुछ है। तो ये 400 पेजेस का है, अभी 400 पेजेस तो पूरे पढ़ोगे नहीं, तो क्या करना है आपको, यू जस्ट नीड टू गो टू दिस सेक्शन, इंडेक्स है यहाँ पे आपको सब पता चल जाएगा। अभी अबाउट आर कंपनी, अगर आपको कंपनी के बारे में जानना है तो यहाँ पे सब कुछ लिखा है, इंडस्ट्री ओवरव्यू, अगर सपोज इस पे आपने क्लिक किया तो अभी उनका जीडीपी ग्रोथ क्या है, अभी ये जो कोविड का चार्ट है मुझे लगता है कि मतलब फेसबुक इंस्टाग्राम से ज्यादा तो ये कोविड का चार्ट देख लिया, ये जो वी शेप रिकवरी है वो सब सबने देखी रहेगी, फिर उनका जीडीपी ग्रोथ का आउटलुक क्या है सब कुछ इसमें दिया हुआ है कि इंडस्ट्री कहाँ पे स्टैंड करता है उनका ग्लोबली। देन यहाँ पे अगर आप देखोगे फिर इन दिस सेक्शन आर बिजनेस के बारे में लिखा है, मतलब कि इसके अंदर कहाँ से स्टार्ट हुआ वो सबके बारे में सब कुछ, हिस्ट्री ज्योग्राफी सब कुछ दिया है। मैनेजमेंट के बारे में लिखा है कि कौन है, किसने टेक ओवर किया, किसने स्टार्ट किया, व्हाट इज देयर विजन, ये सब कुछ लिखा रहेगा इसमें। देन देयर इज लीगल एंड अदर इंफॉर्मेशन, मतलब कि कोई भी उनका कोर्ट केसेस चालू है या फिर कोई भी आउटस्टैंडिंग केसेस चल रहे हैं वो सबके बारे में ये सेक्शन में लिखा रहेगा, लीगल एंड अदर इंफॉर्मेशन के सेक्शन में। देन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कि कंपनी ने कितनी मतलब कितने प्रमोटर्स है, क्या है, फिर कितना कमाया है कंपनी ने, बैड डेट्स कितने हैं, सब कुछ इधर लिखा रहेगा उनके बारे में कि कितना कैपिटल है, कितने असेट्स है, लायबिलिटीज, अभी असेट्स लायबिलिटीज ये क्या है, हम लोग धीरे 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 एक एक काम पे आएंगे, बट अभी के लिए सिर्फ मैं आपको ओवरव्यू दे रही हूँ कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन इसमें अवेलेबल रहती है, ठीक है। देन इसमें ये भी लिखा रहता है कि उनके कोई फ्यूचर क्लाइंट्स है जिनके साथ, मतलब कोई बड़े क्लाइंट है जिनके साथ ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुके हैं, तो ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन इसमें आपको पूरा खजाना मिल जाएगा, पूरा डेटा मिल जाएगा, यू कैन जस्ट एक्सप्लोर दिस साइट, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। सर अगेन गो बैक टू पीपीटी, सिमिन आई होप आपका क्वेश्चन का आंसर मैंने प्रॉपरली दे दिया, आपको समझ आ गया। अगर आईपीओ आ रहा है तो तभी आरएचपी एक जो दे दिया वो रहेगा, फिर कंपनी के आगे आगे जो भी चेंजेस आते हैं दैट यू नीड टू गो एंड चेक ऑन द कंपनीज वेबसाइट, हर क्वार्टर में अलग अलग रिजल्ट आएगा, वो सब के हिसाब से चेंजेस आते रहेंगे। अभी कोई क्लाइंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो गया है वो शायद कुछ इश्यूज की वजह से चेंज हो जाए, दैट कैन चेंज, बट अगर आईपीओ को आपको एनालाइज करना है तो उसके पहले आपको आरएचपी पूरा पढ़ना है। ओके थैंक यू। या एनी टाइम। सो अभी आरएचपी देख लिया कि आरएचपी बन गया, रजिस्ट्रेशन ऑफ स्टेटमेंट बन गया, उसके बाद वेरिफिकेशन बाय सेबी। सेबी मतलब अभी हम लोग ने जिसका साइट पे देखा, सेबी इज बेसिकली सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो सेबी को आप ऐसा समझ लो कि एक कंट्री है, ठीक है, उसमें किंग है और वो कंट्री में बहुत सारे गांव हैं, तभी उसमें गांव है, बहुत सारे नॉर्मल पब्लिक रहते हैं, मतलब कि रेसिडेंट्स रहते हैं, फिर वो लोग के बीच में ट्रेड वगैरह भी होता है, गांव के बीच में ट्रेड होगा या फिर गांव के अंदर अंदर ट्रेड होगा, तो ये जो पूरा सिस्टम स्मूथली चल रहा है, वो जो नॉर्मल पब्लिक है उनको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, वो किंग ध्यान रखता है। सो दैट इज वॉट सेबी डज। सेबी क्या करता है कि देखता है कि अपना जो शेयर मार्केट है, जो इंडिया में जो भी हो रहा है, ट्रेड ऑफ हो रहे हैं, बाहर ग्लोबली कुछ भी हो रहा है,
कुछ भी इनसाइडर ट्रेडिंग सुना रहेगा आपने, मैनिपुलेशन सुना रहेगा, हर्षद मेहता का जो स्कैम होगा, ऐसा कुछ वो पूरा ध्यान रखता है कि ऐसा कुछ हो ना। अगर पता चले तो कुछ रेगुलेशन ला सकते हैं। सेबी के पास बहुत सारी पावर्स होती है, वो क्या होती है वो भी धीरे धीरे समझेंगे। फॉर जस्ट नाउ कि सेबी एक ऐसी बॉडी है, सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, वो उसका काम ये है कि सब कुछ स्मूथली वर्किंग होता रहे और रेगुलेशन, मतलब इट इज अ रेगुलेटरी बॉडी, मतलब कि ध्यान रखते हैं कि कुछ भी दिक्कत ना है सिस्टम में, सब अच्छे से हो और जो नॉर्मल इन्वेस्टर्स है उनके साथ कुछ गलत ना हो, मतलब कि इट इज टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स इन सिक्योरिटीज। ओके, सो दैट इज व्हाट सेबी डज। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1992 बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके, देन अगेन सेबी ने वेरीफाई भी कर लिया, आरएचपी भी हो गया, अंडररराइटर भी आ गया, सब कुछ हो गया। अभी ये चीज का एप्लीकेशन, अभी ये शेयर कहाँ पे लिस्ट होगा वो उनके पास तो एप्लीकेशन देना पड़ेगा ना। तो मेकिंग एन एप्लीकेशन टू द स्टॉक एक्सचेंज। अभी स्टॉक एक्सचेंज क्या है? इट इज अ मार्केट प्लेस जहाँ पे बहुत सारी सिक्योरिटीज लिस्टेड है, ठीक है। तो अगर आपको उसमें से कोई सिक्योरिटी लेने तो आप क्या करोगे, सपोज एक 1200 रुपए का शेयर है, ठीक है, तो आप जाओगे एक्सचेंज के पास, बोलोगे ये लो 1200 रुपए, और वो कंपनी का एक शेयर आपने ले लिया। तो वो जो मार्केट प्लेस जहाँ से आप ट्रांजेक्शन कर सकते हो, दैट इज स्टॉक एक्सचेंज। मतलब इसमें बीच में ब्रोकर का भी पार्ट होता है, पर वो धीरे धीरे समझेंगे, अभी सिर्फ ओवरव्यू ले लो, थोड़े थोड़े बेसिक टर्म समझ लो, ठीक है। तो देर आर टू स्टॉक एक्सचेंज, NSE एंड BSE। तो BSE अपने में ही कहानी है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो ये कैसे फाइंड हुआ था कि पहले के टाइम में 1875 के पहले एक बनियान ट्री रहता था, उसके नीचे सब लोग ऐसा बैठ के ट्रेड वगैरह करते थे, या फिर मतलब कुछ शेयर वगैरह कुछ भी, मतलब कुछ पेपर वगैरह पे कुछ लिख दिया और ये हो गया, उस हिसाब से चलता था, ठीक है। उनके वेन्यूज भी चेंज होते थे, ऐसा नहीं कि एक ही जगह पे बैठेंगे, कहीं पे भी जाके ऐसा मंडली बना के मस्त करते थे। फिर धीरे धीरे ये जो ब्रोकर का एसोसिएशन है ना वो बढ़ते गया, तो वो लोग फिर दलाल स्ट्रीट जो है अपना वहां पे सेटल हो गए कि चलो यहाँ पे बैठते गए। फिर वो और बढ़ते गया तो उन्होंने नाम दे दिया उसको बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इस हिसाब से ये 1875 में BSE आया था। पर फिर क्या होने लगा कि कुछ भी रेगुलेटेड नहीं था, ऐसे ही चल रहा था, मतलब कि ऐसे किया तो बाय, ऐसे किया तो सेल, किसने बाय किया है कभी नहीं पता चलता था, बहुत घपला वगैरह होता था। हर्षद मेहता का स्कैम हो गया, कितने लोगों की जान गई, ये सब हुआ तो गवर्नमेंट ने बोला कि भाई ऐसा तो नहीं चलेगा, कुछ इसको रेगुलेशन में लाना पड़ेगा, ये ट्रांसपेरेंसी नहीं है, किसी चीज का पता नहीं चल रहा है कि कौन बाय कर रहा है कौन सेल कर रहा है, या फिर बहुत ज्यादा इनसाइडर ट्रेडिंग हो रही है, मैनिपुलेशन बहुत हो रहे हैं, तो भाई ये तो नहीं चलेगा, ये नहीं जमेगा। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एस्टैब्लिश किया। अभी सेबी का हुआ था, सॉरी वन सेकेंड, हाँ सेबी कब एस्टैब्लिश हुआ था, 1992, एंड NSE कब आया, 1992। तो ये सब गवर्नमेंट ने रेगुलेशंस लाए टू कीप द सिस्टम एज मच एज ट्रांसपेरेंट एज पॉसिबल, ठीक है। तो NSE आ गया 1992 में और BSE था 1875 में। तो NSE आया उसके बाद, ये जो डीमेट वगैरह सुनते हो वो सब उसके बाद आया, ठीक है। तो डीमेट क्या है वो भी समझेंगे। तो NSE BSE सेबी हो गया, फिर NSE BSE आ गया, अभी उसके अंडर क्या है, निफ्टी 50 एंड सेंसेक्स 30। अभी ये क्या है, दिस इज बेसिकली एन इंडाइस। अभी निफ्टी 50 को ऐसा समझ लो कि एक बास्केट है, ठीक है। अभी NSE के अंडर कितने कंपनीज लिस्टेड है, 1739 कंपनीज। अभी इसमें से इतने सारे, अभी मैं तो शेयर मार्केट में नहीं हूँ, ठीक है, मैं आई, इतनी सारी कंपनीज है, मेरे को कैसे पता कि कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करना है। मैं रिटेल इन्वेस्टर हूँ, मेरे को कुछ पता नहीं चलता है, पर मेरे को इन्वेस्ट करना है, तो कैसे पता चलेगा कि कौन सी कंपनी अच्छी है। और पूरा शेयर मार्केट का अभी, मतलब कि पूरी जो शेयर मार्केट है वो कहाँ पे है, ऊपर है नीचे है, क्या हाल है शेयर मार्केट का, कैसे पता चलेगा इतनी सारी कंपनी है, किसको ट्रैक करूँ मैं। तो उसके लिए एक निफ्टी, एक बास्केट बना दिया जिसमें साउंड अच्छी अच्छी कंपनी को डाल दिया, ठीक है। तो देट इज बेसिकली निफ्टी, एज नेम से निफ्टी 50, तो 50 कंपनी को डाल दिया। और सेंसेक्स एक जो BSE को इंडिकेट करती है, BSE के अंडर जितनी भी कंपनीज है उसके हिसाब से उसको रिप्रेजेंट करती है, तो उसके लिए 30 कंपनीज उसने बेस डाल दिया। अभी निफ्टी मतलब कैसे फॉर्मेशन है मैं आपको बता देती हूँ इसका। तो बेसिकली ये भी मेरे को गूगल से ही मिला है, आपको लिखना है निफ्टी वेटेज तो आपको ये पूरा चार्ट मिल जाएगा NSE का वेबसाइट से, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि अभी फिनेंशियल सर्विसेज को देखोगे, मतलब कि अभी सपोज 100% का वेटेज, उसमें से 37% का वेटेज फिनेंशियल सर्विस को दिया, IT को 18% का वेटेज दिया, ऑयल एंड गैस को 11.39% का वेटेज दिया। सेम अगर कंपनीज के पास आए हम लोग,
तो रिलायंस इंडस्ट्रीज को कितना दिया, 9.83% का वेटेज दिया, एचडीएफसी बैंक को 9.29% का वेटेज दिया, इन्फोसिस को 8.52% का वेटेज दिया है। मतलब कि थियोरी में ऐसा बोलते कि मार्केट का हाल बताता है ये, पर अगर आप देखो रियल में तो अगर अगर आप लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, अगर बीच में आपने स्मॉल कैप या मिड कैप में इन्वेस्ट किया रहेगा या कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्ट किया रहेगा, जो रिलायंस एचडीएफसी इन्फोसिस ये जो लार्ज कैप है वो नहीं है, तो आपने देखा रहेगा कि आपका पोर्टफोलियो रेड रेड में ही होगा, मतलब मोस्टली डाउन होगा या फिर इनकेस रेड में नहीं तो 60% रिटर्न की जगह पे 50 या 40% रिटर्न हो गए रहेंगे वो चीज से। तो वो क्यों होता है, क्योंकि अगर निफ्टी को और निफ्टी 16,000-17,000 ब्रिज करते जा रहा है और आपका पोर्टफोलियो तो जहाँ है वहीं है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि निफ्टी का फॉर्मेशन वैसा है। अगर आप देखो रिलायंस को 9.83% वेटेज है और एचडीएफसी बैंक को भी 9.29, ऑलमोस्ट 10% का वेटेज इनको दिया है, तो यही अगर 2-2% बढ़ गया तो भी आपका निफ्टी 17,000-18,000 ब्रेक करते जाएगा, भले आपके शेयर जहाँ है वहां पड़े रहे, तो इसका फॉर्मेशन वैसा है। थ्योरी में बोलता है कि ये हाल इंडिकेट करता है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया अपना निफ्टी 50, सेंसेक्स 30, अभी एनएससी के अंडर 1739 कंपनीज लिस्टेड है, मतलब ये जो स्टॉक एक्सचेंज है उसमें 1739 कंपनी सिक्योरिटीज है, एंड बीएससी में 5529 कंपनीज लिस्टेड है। यहाँ तक क्लियर है सबको, जस्ट पुट यस सो दैट आई कैन मूव फॉरवर्ड। यहाँ पे कुछ यहाँ तक कुछ क्वेश्चन रहेगा तो प्लीज आस्क। हाँ, मुझे एक क्वेश्चन था, आपने मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ सर बोलिए ना। हाँ, तो आपने निफ्टी का एक बार मुझे फिर से मीनिंग बता दीजिए ना, मुझे चार्ट समझा बट निफ्टी का आपने क्या बोला, इट इज अ क्लस्टर ऑफ सम कंपनी, 50 सिक्योरिटी क्लस्टर नहीं, एक बास्केट समझो, ठीक है। अभी उसमें 50 सिक्योरिटीज है, मतलब कि रिलायंस, अभी रिलायंस आपको पता है अच्छी कंपनी है, बराबर साउंड कंपनी है, तो रिलायंस को डाल दिया। अभी आईटी सेक्टर में कौन सा है, इन्फोसिस, टीसीएस, ये सब है, तो उसमें से जो बेस्ट कंपनी है वो डाल दी। अभी बैंकिंग में कौन सा बेस्ट कंपनी, एचडीएफसी है, तो उन्होंने वो डाल दिया। इस हिसाब से जो अलग अलग सेक्टर है उसमें जो बेस्ट बेस्ट कंपनीज है उसमें से 50 कंपनी सिलेक्ट करके एक उन्होंने इंडेक्स बना दिया, निफ्टी 50। क्लियर? ओके या तो अगर आप आपका डीमैट अकाउंट है, डीमैट अकाउंट है आपका सर? यस यस यस। तो आप अगर उसको पोर्टल को ओपन करोगे ना तो वहाँ पे निफ्टी 50 दिखाएगा। आप जैसे ओपन करना, फर्स्ट चीज मोस्ट ऑफ द डीमैट्स में ऐसा रहता है कि फर्स्ट चीज या टॉप हेडलाइन में दिखाता है निफ्टी, सेंसेक्स, न्यूज में भी देखोगे तो निफ्टी 17,000 पहुंच गया, तो दिस इज व्हाट इट इज। कि उसके अंडर जो अंडरलाइन जो है वो ये 50 कंपनीज है, ये पूरा लिस्ट आपको गूगल पे मिल जाएगा right. अगर आप निफ्टी वेटेज ढूंढोगे तो। ओके right. तो ये निफ्टी सेबी कंपाइल करता है? हाँ, सेबी या सेबी रेगुलेट भी करता है, एंड वो मतलब ये सब कौन सी कंपनीज आएगी कौन सी नहीं आएगी, ये सेबी, आरओसी एंड आरबीआई, ये सब का अप्रूवल के साथ होता है। ओके या तो एनीवन एल्स कुछ क्वेश्चन है? ओके आई मूव फॉरवर्ड। तो अभी ये तो हो गया कि सेबी समझ लिया, NSEBI समझ लिया, अभी आईपीओ भी आ गया, तो इसमें अप्लाई कौन करेगा, किसी को पता है कौन अप्लाई करता है आईपीओ? डज एनीवन नो? वी एज रिटेल इन्वेस्टर्स कैन अप्लाई, राइट? या वी कैन अप्लाई, करेक्ट। इंस्टीट्यूशंस, करेक्ट, राइट सर। तो बराबर बोला सर ने, रिटेल इन्वेस्टर्स अप्लाई करते हैं, QIIs अप्लाई करते हैं और HNIs अप्लाई करते हैं। एक वन बाय वन ये टर्म समझते हैं। QIIs क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, मतलब कमर्शियल बैंक हो गई, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गई, ये जो म्यूचुअल फंड हाउसेज होते हैं वो हो गए, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स वो सब हो गए, ये सब अप्लाई करते हैं। अभी इश्यू से सपोज 1 करोड़ का है तो उसमें से 50% ये लोग के लिए रिजर्व रहता है कि ये QIIs अप्लाई करेंगे, ठीक है। इसमें भी एक एंकर इन्वेस्टर का, मतलब कि QIIs के ही अंडर एंकर इन्वेस्टर्स को 60%, मतलब 50% QIIs का है, अभी उसके अंडर का जो 60% है वो एंकर इन्वेस्टर्स को दिया जाता है। क्यों? और वो लोग अभी हम लोग कैसे कि जो आईपीओ का प्राइस अपने सामने आता है उस पर अप्लाई कर सकते हैं, राइट। पर एंकर इन्वेस्टर्स को ये प्राइस नहीं होता, उनको ना ये जो अंडर राइटर्स रहते हैं वो मक्खन वाले एकदम मस्त प्राइस के साथ बेचने की ट्राई करते हैं कि भाई आप लोग, उससे क्या होता है अभी ये जो बड़ी बड़ी बैंक्स है, बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशन है वो है एंकर इन्वेस्टर्स, वो बाय करते हैं तो रिटेलर्स का कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, एंड अगर मैक्सिमम अमाउंट वो लोग ने बाय कर दिया तो प्राइसिंग की जो पावर होती है ना वो बढ़ जाती है, मतलब कि आईपीओ के जो प्राइस वो लोग जो ला सकते हैं वो बढ़ जाती है। बेसिकली डिमांड सप्लाई का कॉन्सेप्ट है।
अगर किसी चीज का डिमांड है और सप्लाई ऑलरेडी बहुत ज्यादा, सप्लाई इतना नहीं है मतलब, क्योंकि एंकर इन्वेस्टर्स ने मेजर पार्ट ले लिया, तो सप्लाई कम है और डिमांड ज्यादा है, तो क्या प्राइस हायर कोट कर सकते हैं? कोई चीज अंडरराइटर इसमें करता है, अंडरराइटर का काम क्या था मैंने बोला कि वो बस मेक श्योर करता है कि आपके इशू हो जाए शेयर, डिमांड बढ़ा दे, मतलब बज मचा दे वो आईपीओ का, वो सब काम इंस्टीट्यूशनल सॉरी अंडरराइटर करते हैं, तो दैट इज व्हाट क्यूआईआईज एंड एंकर इन्वेस्टर्स आर फॉर, ठीक है। फिर आता है रिटेल इन्वेस्टर्स, मतलब आप मैं हम सब जितने भी इंडिविजुअल्स है, एचयूएस है, एनआरआईज है, ये सब आ जाता है रिटेल इन्वेस्टर्स में। तो अभी हम लोग का अगर हम लोग एक लॉट अप्लाई करते हैं, ये लॉट्स में होता है आईपीओ, ठीक है, तो ये एक लॉट 15,000 का होता है मिनिमम, और मैक्सिमम 2,00,000 तक हम लोग कर सकते, उसके ऊपर नहीं जा सकते। तो वो जो पूरा इशू साइज 1 करोड़ का, उसमें से 35% आर फॉर अस। फिर एक आता है हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल एचएनआई, तो वो लोग को कितना 15% अलॉटेड है, ठीक है, मतलब कि अगर 1 करोड़ का इशू साइज है 50% हो गया क्यूआईआई का, 35% हो गया रिटेल इन्वेस्टर का, और 15% हाई नेटवर्थ क्लाइंट का हो गया। हाई नेटवर्थ क्लाइंट कौन कौन, मतलब कौन जो 2,00,000 के ऊपर इन्वेस्ट करके 2,00,000 के अंदर इन्वेस्ट नहीं कर सकते, और यूजुअली वो लोग करोड़ में ही इन्वेस्ट करते हैं, सो दे कम अंडर एच एन आई। ओके, यहाँ तक क्लियर? As you said, के institutions को यानी प्रीमियम उसकी उन लोग की वजह से प्रीमियम आता है, राइट? That's what you said. पूरा नहीं, मतलब कि पर प्राइसिंग पावर बना सकते हैं वो लोग, अभी इंस्टीट्यूशन मतलब पूरा क्यूआईआई नहीं, अभी ये 50% है, ठीक है, अभी वो लोग के 50% मतलब कि अभी क्यूआईआई का 50% वो लोग को अलॉट किया पूरे इशू साइज का, उसमें से कुछ परसेंट मतलब 60% अभी QIS का 50% मतलब उनके लिए जो 100% है उसके अंदर का जो 60% है दैट इज गिवन टू एंकर इन्वेस्टर्स, जो 10 करोड़ तक उनको अप्लाई करना पड़ता है अगर उनको प्राइसिंग पावर चाहिए तो उनको ना ये जो अंडर राइटर्स है एकदम मक्खन जैसा प्राइस देता है, मतलब एकदम लाइक सपोज 1200 का आईपीओ अप्लाई होने वाला है, ठीक है, तो वो लोग को कौन से प्राइस में मिलेगा, 1100 पे मिल गया कि ऐसा कुछ प्राइस पे देंगे और वो लोग बाई कर सकते, तो इससे प्राइसिंग पावर या मतलब वो लोग एक सपोर्ट बोलते हैं ना, देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर टेकन इन टू कंसिडरेशन बट दिस इज वन ऑफ इट। ओके, थैंक यू। या एनी टाइम। सो यहाँ तक समझ लिया, फिर आगे क्या आता है, इक्वेशन ऑफ कंपनीज विथ इंडस्ट्री बिफोर गेटिंग इनटू इंडस्ट्री। एक चीज है जो सबको मतलब मैंने देखा है कि बहुत कंफ्यूजन होता है सेक्टर एंड इंडस्ट्री के बीच में। नाउ व्हाट इज सेक्टर, अभी सपोज फार्मा एक सेक्टर है, ठीक है, उसके अंदर हेल्थ केयर, फिर जो ड्रग मेकिंग कंपनीज है, जो अभी जैसे कि हम लोगों ने एमए ऑर्गेनिक देखा तो वो जो केमिकल्स बनाती है विच इज यूज्ड इन ड्रग, तो वो एक एक बोलते ना डिवीजन होगा। तो ये सब जो छोटे छोटे मैं बोल रही हूँ हेल्थ केयर वो सब इंडस्ट्री हो गया और फार्मा एक सेक्टर हो गया, ठीक है, जैसे कि अभी ये है ऑटो सेक्टर है, ठीक है, तो ऑटो एक सेक्टर है, उसमें से कुछ कंपनी टायर्स बनाती है, कुछ कंपनी ऑटो एंसिलरीज है, कुछ कंपनी बैटरीज बनाती है, कुछ कंपनी बाइक्स प्रोड्यूस करती है, कुछ कंपनी ट्रक्स के अंडर है, तो ये सब इंडस्ट्रीज हो गई, ठीक है। तो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट इक्वेशन ऑफ कंपनीज विद इंडस्ट्रीज। अभी जैसे कि नेस्ले, फिर ये ब्रिटानिया बिस्किट वगैरह खाते रहोगे तो आपको ये पता ही रहेगा ब्रिटानिया, ये सब जो कंपनीज है दैट कम्स अंडर एफएमसीजी सेक्टर। अभी पिडिलाइट है तो वो केमिकल कंपनी है, ठीक है, तो दैट कम्स अंडर केमिकल का। तो ये सब का भी इंडिविजुअल इंडाइजेज, अभी जैसे कि निफ्टी 50 में 50 कंपनीज है, अभी अगर आपको आपने फार्मा में इन्वेस्ट किया तो अभी फार्मा का क्या हाल है वो देखना, आप तो कैसे देखोगे, उसके लिए अलग से एक इंडाइज बनाया हुआ है निफ्टी फार्मा, ऐसा करके एक इंडाइज है, उसका भी अगर वेटेज सेम तरीके से होता है, सन फार्मा को सपोज 10% दे दिया, पिरामल को सिप्ला को कुछ 5-6% दे दिया, तो ऐसा उनका भी अलग अलग ये रहता है वेटेज रहता है, तो दैट ऑल्सो यू कैन फाइंड कि निफ्टी फार्मा वेटेज देखोगे तो आपको पूरा वेटेज मिल जाएगा, और सीएनएक्स फार्मा करके आपको ये भी मिल जाएगी, इंडाइसिस भी मिल जाएगी, ऑटो का भी होता है अलग से इंडाइज, ऐसा हर एक चीज का इंडाइज रहता है, एफएमसीजी का भी इंडाइज रहता है, टू ट्रैक के एक एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री में क्या हो रहा है। ओके, तो अभी ये लोग का कैसा रहता है इक्वेशन कि हम साथ साथ वाला इक्वेशन रहता है, अगर जैसे कि अभी कोविड में मार्केट गिरा, राइट, उसके पहले फार्मा कुछ चल नहीं रहा था, क्योंकि इतना डिमांड कुछ था नहीं, फिर उसके बाद कोविड में मार्केट गिरा तो अचानक डिमांड आ गया, तो गवर्नमेंट ने कितना सारा रिलीफ पैकेजेस दे दिया, राइट, तो अभी फार्मा एज एन सेक्टर होल उसके अंडर जो डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज है उनको सबको वो रिलीफ मिला, इसके वजह से पूरी जो कंपनीज है उसकी सारी सेक्टर भी बढ़ा और कंपनीज भी बढ़ी,
करेक्ट, अभी जैसे के इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का भी बहुत डिमांड बढ़ने वाला है, तो उसके लिए कंपनी अभी गवर्नमेंट ने, आपने सुना रहेगा, पीएलआई स्कीम अनाउंस किया। फिर उसके पहले टैक्सेशन के लिए भी बोला कि भाई हम लोग आपको टैक्स का डिडक्शन देंगे, आप ईवी व्हीकल्स में, ईवी व्हीकल्स लोगे तो ठीक है। तो अभी ये सब अगर न्यूज आती है तो अभी जो कंपनीज है उन, अगर सपोज कोई कंपनी को रिलीफ मिल रहा है या किसी, सपोज बोला कि महिंद्रा, महिंद्रा अगर सपोज ईवी व्हीकल प्रोड्यूस करने वाला है तो मैं उसको इतना ग्रांट दूंगा या ऐसा कुछ देता देता हूँ, तो उसके साथ साथ अभी जो सपोज ओला या महिंद्रा, महिंद्रा ईवी व्हीकल प्रोड्यूस कर रहा है तो कुछ कंपनीज उसको रॉ मटेरियल्स देगी, उसके पार्ट्स देगी, तो वो कंपनीज भी बढ़ेगी। तो एज अ सेक्टर पूरा, अगर सेक्टर में कुछ अच्छी न्यूज आती है तो सेक्टर भी बढ़ता है, अगर कंपनी में अच्छी न्यूज आई तो कंपनीज बढ़ रही है इसलिए सेक्टर भी बढ़ता है। तो इस हिसाब से ये लोग का इक्वेशन रहता है, ठीक है, तो हम साथ साथ वाला रिलेशन रहता है। तो अगर आपको किसी भी कंपनी को एनालाइज करना है तो आप क्या देखोगे? कंपनी तो देखोगे, साथ में सेक्टर एंड, सेक्टर एंड इंडस्ट्री में भी क्या हो रहा है वो भी देखोगे। ओके, डज एनीवन हैव एनी क्वेश्चन? अभी ये सेक्टर का इंफॉर्मेशन कहाँ पे ढूंढना है, इसका भी एड्रेस चाहिए किसी को तो मैं दिखा देती हूँ। We have a आई question. बी Someone is asking the exact same question कि सेक्टर के बारे में इंफॉर्मेशन कहाँ मिलेगा? ओके या तो आई बी एस करके साइट है, यू जस्ट नीड टू गो हियर, आपको ये ओपन करना है। Everyone who is interested, और please take a note of this site. या तो मतलब मैं आपको खजाने का एड्रेस दे रही हूँ तो लिख लीजिए ये सब, और आपके रेफरेंस के लिए मैं भेज भी दूंगी। तो यहाँ पे देखो सब इंडस्ट्रीज के बारे में है, लाइक एग्रीकल्चर, ऑटो कंपनीज, ऑटोमोबाइल, एविएशन, सब कुछ है। अभी सपोज मैंने केमिकल्स पे क्लिक किया, ठीक है, तो यहाँ पे सारा इंफॉर्मेशन है कि डिमांड क्या, मतलब डिमांड कितनी है, अपॉर्चुनिटीज क्या है, पॉलिसी कौन सी सपोर्ट कर रही है केमिकल सेक्टर को, इंक्रीजिंग इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग क्या है, फिर यहाँ पे देखो मार्केट साइज कितना है अभी उसका, देन इन्वेस्टमेंट एंड रिसेंट डेवलपमेंट क्या हुई है ये पर्टिकुलर इंडस्ट्री में, फिर गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिया है, फिर रोड हेड मतलब कि आगे क्या क्या पॉसिबिलिटीज। अगर जस्ट मैं अगर आपको इसमें से कुछ पढ़ के दिखा दूँ तो डिस्पाइट द करंट पेंडेमिक सिचुएशन द इंडियन केमिकल इंडस्ट्री हैज न्यूमरस अपॉर्चुनिटीज कंसिडरिंग द सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन इन चाइना एंड ट्रेड कॉन्फ्लिक्ट अमंग द यूएस। तो ये सच है, अभी अगर आप देखोगे कोई अगर मार्केट ट्रैक करता रहेगा तो उनको पता रहेगा कि अभी रिसेंट टाइम्स में लक्ष्मी ऑर्गेनिक, फिर ये सब जो केमिकल सेट्स जो है वो सारे बहुत बड़े, क्यों? क्योंकि चाइना से डिपेंडेंसी हटानी है, क्योंकि अगर वो कोई भी कंट्री वहां से एक्सपोर्ट करे तो वो लोग को बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट ड्यूटीज देनी पड़ रही है, तो उनका जो डिमांड है वो शिफ्ट कहाँ पे हो रहा है? इंडिया में हो रहा है, राइट। तो इसकी वजह से अभी जो रिसेंट में दीपक नाइट्राइड ये सब अगर देखोगे केमिकल शिफ्ट बढ़े हैं, तो ये सारा जो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ये पूरा आप साइट एक्सप्लोर कर सकते हो, इसमें बहुत कुछ है, बहुत ब्यूटीफुल और रियल इन्फॉर्मेशन मिलती है आपको। तो यू कैन जस्ट एक्सप्लोर दिस साइट, इसमें इन्फोग्राफिक्स है सब कुछ की, FY19 में क्या था, FY20 में क्या था, FY25 तक क्या प्रोजेक्टेड है, सारे रिपोर्ट दिए हुए हैं, एवरीथिंग इज हियर, राइट। तो किसने पूछा था? आई जस्ट चेक चैट बॉक्स, आई कैन नॉट सी, जिसने भी पूछा था आई होप आपको ये आपने साइड नोट कर लिया। You ओके can continue. तो या तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड एंड आई जस्ट वन सेकेंड। या तो ये तो हम लोग ने आज थोड़ा बहुत टर्म्स को ही टच किया है, वो भी मतलब ऐसा ओवरव्यू टच किया है, इसके और भी डिटेल्स में जाना है हमें। तो नेक्स्ट सेशन इज ऑन अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी ऑफ बिग बुल, जहाँ पे हम लोग इन्वेस्टिंग के बारे में सीखेंगे, क्या क्या चीजें देखनी है। अभी हम लोग ने कुछ ऐसा, मैंने आपको ओवरव्यू दिया कि ये चीजें देखनी चाहिए, उसको डीप में समझेंगे, कौन सी चीजें देखनी है, क्या करना है, हाउ टू, वेन टू एंटर, विच शेयर टू एंटर, वेन टू एग्जिट, वो सब इसी के कंटिन्यूएशन में, यही सेशन के कंटिन्यूएशन में होगा। तो इट इज ऑन 26 सितंबर 11 AM, तो प्लीज ज्वाइन अस ऑन 26 सितंबर ऑल्सो, एंड थैंक यू सो मच। अभी कुछ भी क्वेश्चन होगा प्लीज फील फ्री टू आस्क। Great, thank you, Charmi. So we'll wait for any questions that can come. Anyone wants to ask any question, please they can unmute themselves and feel free. ये हमारी कोशिश है, तो
अगर कहीं गलत जा रहे हैं तो प्लीज हमें बताइए. इफ यू हैव एनी या एनी सजेशन या इफ यू हैव एनी सजेशंस ऑन एनी टॉपिक्स दैट यू वांट टू अंडरस्टैंड और ज्यादा डिटेल में, प्लीज सेंड अस अ ईमेल. आई विल पुट दैट ईमेल एड्रेस फॉर आवर कंपनी इन द चैट बॉक्स एंड वी विल बी मोर देन ग्लैड टू मेक दैट एज अ पार्ट ऑफ अ वेबिनार. द होल आइडिया हियर इज वी वांट टू शेयर एज मच एज इंफॉर्मेशन विद ऑल ऑफ यू एज मच एज पॉसिबल. So we'll wait for any questions. Anybody has any questions? Okay, not a problem. So this is an attempt from us, from all of us at Team Money Matters to give you a direction. मुझे पता है कि ये सिर्फ एक शुरुआत है. हमने आज बहुत lightly मार्केट में एक कंपनी कैसे आती है फ्रॉम टू मार्केट का स्ट्रक्चर के बारे में हमने आपको एक ओवरव्यू या समरी दिया है. धीरे धीरे हम बोलते ना लाइक यू पील अ ऑनियन वन लेयर एट अ टाइम. नेक्स्ट नेक्स्ट वीक वी विल फोकस ऑन डिस्कसिंग अबाउट हाउ यू शुड थिंक एज अ इन्वेस्टर. बड़े तो वी विल शेयर द नॉलेज ऑफ द बिग इन्वेस्टर्स दैट आर ऑलरेडी मेकिंग ग्रेट मनी इन द मार्केट. I hope all of you will be here next week also. And I also request, agar aapko ye session achha laga hai, to please pass on the link for the next session with your friends and your family members. This is an educative session, to unko bhi markets ke baare mein ek sahi knowledge ya sahi information milegi. We will share a feedback form after the session with you on your email. I request all of you, please, please fill that feedback form. It is a great inspiration for us to know aapki views kya hai. Yes, Charmila. Also, if you all could write in the chat box, I just want to take a snapshot of it. Agar aapne kuch naya sikha ya agar aapko acha laga, so I just want to take a snapshot of it. So, great. What did you think about it? Just if you could put it in the chat box. Anything, matlab koi ek cheez agar kisi ne sikhi hogi aaj ke webinar mein, anyone. Anything. Anything new you learned? Or how did you find it? If you could write it in the chat box. Come on, Tanay, you have anything to any positive feedback that you would like to put? Yes, sir. The feedback, the thing which I felt today, which was good, was that it was not a very long and tiring session. Thank you so much. Yeah, it was a short and informative session. So, like everyone is busy, so this sessions do really help. Not being too. Yeah, so the focus is like this only. We will have sessions of 20 minutes to 25 minutes. Koshish yehi hai ki jitne sawal aap puche, utna session bada hoga. Hum session ko 20 minute ka rakhenge. That's the whole idea. So spend 20 minutes of a Sunday with us. Right. Mala, thank you so much for your kind words. Thank you so much, Mamta ma'am. Very informative session. Website info, very good. Raf, thank you so much. Rohit Satra, thank you so much for saying informative session. Mala Iyer, ma'am, thank you so much for your kind views. Thank you so much, everyone. That's it from my side. Thank you so much, you. Mamta ma'am. Very informative. Thank you so much. I'm ending the session. Great. See you guys next Sunday at 11 a.m. Thank you guys. Have a wonderful day ahead. Thank you.